Hello, my dear friends and students. Welcome to my channel, Goodness Pharmacy. This is Gunjan Verma here. In this lecture, we discuss about the pharmacodynamics. In the last lecture, we have pharmacokinetics ke baare mein bataya tha. I hope aapko samajh mein aaya hoga. Okay, let's start the topic, pharmacodynamics. Pharmacodynamics is the study of drug एक्शन इन द बॉडी. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि फार्माकोडायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग का क्या एक्शन है हमारी बॉडी के अंदर. ओके, इसमें हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि ड्रग का कैसे एक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर. अ ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बॉडी प्रोड्यूस वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इनसाइड द बॉडी एंड प्रोड्यूस इट्स डिजायर्ड इफेक्ट. जब भी हम ड्रग को किसी बॉडी में देते हैं तो वो ड्रग क्या करती है, बॉडी के अंदर उसका फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस करती है जिससे अपना डिजायर्ड एक्शन मतलब अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो शो करती है. वेरियस मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ ड्रग. यहाँ बहुत सारी मैकेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है ड्रग के एक्शन के लिए, वही हम पढ़ेंगे इसमें. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ड्रग एक्शन. यहाँ पे बहुत टाइप के ड्रग एक्शन होते हैं, मतलब ड्रग हमारी बॉडी में किस किस तरीकों से अपना एक्शन करती है, तो ये डिफरेंट वेज दे रखे हैं. फर्स्ट है स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन मीन्स इट इज द इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज सेल. एग्जाम्पल, एड्रेनलिन स्टिमुलेट्स द हार्ट. स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग किसी भी स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है. जैसे हमने कोई भी ड्रग दी, एग्जांपल ले लिया एड्रेनालिन, ठीक है. एड्रेनालिन क्या करती है, हार्ट की हार्ट रेट को स्टिमुलेट करती है, मतलब हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है. तो ये एक्शन कैसे रहता है उसका, स्टिमुलेशन. सेकेंड इज डिप्रेशन. इट इज द डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज सेल. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, क्विनिडीन. क्विनिडीन डिप्रेस द हार्ट रेट एंड बाबुचरेट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बट कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जो एक सिस्टम को डिप्रेस करती हैं तो दूसरे सिस्टम को स्टिमुलेट भी कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्फिन. मॉर्फिन डिप्रेस करती है सीएनएस को बट स्टिमुलेट कर देती है वेगस को. वेगस एक नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व होती है. इसका काम जो रहता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करती है हमारी बॉडी में, लाइक हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज इरिटेशन. This can occur on all types of tissue in the body and may result in inflammation, corrosion and necrosis of cells. कुछ drugs ऐसी होती हैं जो हमारी body में जाके irritation cause करती है, मतलब या तो वो inflammation कर देती हैं या corrosion. Corrosion means cell damage होना and necrosis means cell death. Okay. Next is fourth आता है replacement. Replacement means drug may be used for replacement when there is deficiency of natural substances like hormones, metabolites or nutrients. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स या नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में अपने आप ही बनते हैं, जैसे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स. जब इन हॉर्मोन्स एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या देते हैं, हम बाहर से उनको सिंथेटिकली देते हैं ड्रग के फॉर्म में. तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में रिप्लेसमेंट का काम करते हैं उन नेचुरल एंजाइम्स का और नेचुरल हॉर्मोन्स का. फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन इन डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज के केस में इंसुलिन दिया जाता है. जब हमारी बॉडी में किसी भी रीजन से इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, बीटा सेल्स का रेजिस्टेंस हो जाता है या बीटा सेल डैमेज हो जाती है, तो उस केस में हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हम क्या देते हैं, ड्रग के फॉर्म में इंसुलिन को देते हैं जो हमारी बॉडी में जाके डायबिटीज को ट्रीट करता है. एंड सेकेंड इज आयरन इन एनीमिया एंड विटामिन सी इन स्कर्वी. फिफ्थ इज साइटोटॉक्सिक एक्शन. ड्रग्स में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो साइटो मतलब होता है सेल, टॉक्सिक इफेक्ट देती है, मतलब वो सेल को डैमेज कर देती है. जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है. ये क्या करती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है उस पर जाके अपना एक्शन देती है, सेल वॉल को डैमेज करके बैक्टीरिया को किल कर देती है. तो इसका एक्शन क्या रहता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन और बाय साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कैंसर सेल. Sixth is modification of immune status. Vaccines and sera act by improving our immunity while immunosuppressants act by depressing immunity. हमारी बॉडी में मतलब वैक्सीन्स एंड सिरा. सिरा इज अ एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन इज अ एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ एंटीजन. तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं. ऐसे ही इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, मतलब उसको डिप्रेस कर देते हैं. जैसे एग्जाम्पल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, तो ये सब था हमारा किस तरह से ड्रग जो है हमारी बॉडी में एक्शन कर रही है, ठीक है. नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. अब
इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ड्रग का किस तरीके से एक्शन हो रहा है, कि ड्रग कौन सी साइट पे जाके बाइंड कर रही है, किस रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, किस एंजाइम से बाइंड कर रही है, आयन चैनल से, मतलब किस तरीके से हमारी बॉडी में जाके वो एक्शन शो कर रही है. तो मोस्ट ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स लाइक रिसेप्टर, एंजाइम्स एंड आयन चैनल्स. ड्रग में एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड और आउटसाइड द सेल. ड्रग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन पे भी एक्शन कर सकती है, इनसाइड या फिर आउटसाइड द सेल. तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग के, जिससे थ्रू रिसेप्टर्स, थ्रू एंजाइम एंड पंप्स, थ्रू आयन चैनल्स, by physical action, by chemical interaction or by altering metabolic process. First aata hai receptor. Receptor kya hai? A receptor is a macromolecular site on the cell with which an agonist bind to bring about a change. Receptor एक site होती है जिसपे कोई भी drug आके या कोई भी agonist molecule मतलब वो drug molecule या वो chemical substance जो हमारे body में positive effect देगा, मतलब therapeutic effect show करेगा. तो कोई भी drug एक ऐसे site से आके bind करती है जिससे bind करने के बाद वो drug अपना एक agonistic effect दे रही है, मतलब अपना pharmacological action show कर रही है. तो वो क्या है? Receptor. तो वो ड्रग जो है रिसेप्टर से आके बाइंड करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं. सेकंड इज एंजाइम्स एंड पंप्स. ड्रग्स में एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, दस ऑल्टरिंग द एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम पे एक्शन करती हैं, वो या तो एंजाइम के जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कर देती है, ऑल्टर करती है. फॉर एग्जाम्पल एलोपुरिनोल इनहिबिट द एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज. एलोपुरिनोल एक ड्रग है, एंटी गाउट ड्रग है, जिसे गाउट में दिया जाता है. उसका मैकेनिज्म क्या रहता है, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है. सेकेंड इज एसिटाज़ोलामाइड इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स. एसिटाज़ोलामाइड एक डाइम्यूरेटिक है, ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को. नेक्स्ट आता है आयन चैनल्स. ड्रग्स में इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस स्पेसिफिक चैनल. हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन. इन आयंस का सेल के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में बहुत मेन रोल होता है. तो वो ड्रग क्या करती हैं, इन चैनल्स के थ्रू अपना एक्शन शो करती हैं, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स एंड गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल मॉड्यूलेटर्स. ओके, नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्शन. The action of drug could result from its physical property. कुछ ड्रग अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू एक्शन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल एड्सॉर्प्शन, एक्टिवेटेड चारकोल इन पॉइजनिंग. जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं. तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जो पॉइजन है उसको एड्सॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे. तो ये क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट आता है मास ऑफ द ड्रग. बल्क लग्जेटिव लाइक पाइसिलियम एंड ब्रेन. तो कुछ लग्जेटिव ऐसे होते हैं जो पीसेस की बल्किसिटी को इंक्रीज कर देते हैं. तो ये भी एक फिजिकल एक्शन है. नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी. ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स होते हैं लाइक मैनिटॉल. ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल एक्शन है. नेक्स्ट आता है केमिकल इंटरेक्शन. कुछ ड्रग जो होती है अपनी केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना एक्शन करती हैं, जैसे एंटा एसिड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड को, जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट इज जर्मिसाइडल. ऑक्सीडाइज एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या करता है, जर्मिसाइडल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है. चिलेटिंग एजेंट, कुछ हैवी मेटल्स होती हैं जो चिलेट बना देती हैं, और चिलेट बनाने के बाद क्या होती है, नॉन टॉक्सिक हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस. ड्रग लाइक एंटीमाइक्रोबियल्स ऑल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस को, पाथवे को ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती है. जैसे एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस. सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है, इसका काम क्या होता है, बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इंटरफेयर करती है. मतलब जब बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो किल हो जाता है. तो ये सारे वेज थे जिसके थ्रू अपने ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्शन करती है. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स दैट मॉडिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आता है, वेरियस फैक्टर हैं इसमें. फर्स्ट आता है बॉडी वेट. बॉडी वेट एक मेन फैक्टर रहता है. कुछ ओबीस पर्सन होते हैं, कुछ अंडरवेट पर्सन होते हैं. ठीक है, तो हर एक डोज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दे रखा होता है कि हम हर एक पर्टिकुलर बॉडी वेट के लेकर अपनी डोज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डोज इज इक्वल्स टू बॉडी वेट बाय 70 इनटू एडल्ट
एवरेज एडल्ट डोज, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला। सेकेंड आता है एज। एज भी एक मेन फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स हैं, उनमें क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग इज प्रोलॉन्ग, मतलब गैस्ट्रिक एम्पिटिंग बहुत लेट होती है, गैस्ट्रिक पीएच उनका फ्लक्चुएट करता रहता है, उनकी लीवर की कैपेसिटी, रीनल फंक्शन की कैपेसिटी, सब कुछ क्या रहती है, लेस रहती है। इन कंपेरिजन चिल्ड्रन में अगर हम देखें तो थोड़ा सा उसका अच्छी हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म रहता है बॉडी का, एंड देन यंग एडल्ट से कंपेयर करें तो उनमें और अच्छे से उनका मेटाबॉलिज्म और अच्छे से होने लगता है। तो ये क्या रहता है, एज फैक्टर रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द एज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट डोज को हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आता है डोज एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज, यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स बाई एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू means dose adjustment on the basis of body weight, जिसे बोलते हैं Clark's formula, body weight के according, weight of the child in pound by 150 into adult dose, okay? Third point आता है sex. The hormonal effect and smaller body size may influence drug response in women. Main women's में क्या रहता है, hormonal effect रहता है, उनकी pregnancy, lactating women's होती है, menstruation होता है, तो इस केस में drug का थोड़ा सा effect हो जाता है in comparison to male. फोर्थ आता है स्पीसीज एंड रेस। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, लाइक रैबिट्स हैं, कैट हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट है, जिससे क्या होता है, ड्रग जो है उनका एक्शन भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, रैबिट्स आर रेजिस्टेंट टू एट्रोपिन, रैबिट्स जो रहता है वो एट्रोपिन से रेजिस्टेंट रहते हैं। फिफ्थ आता है डाइट एंड एनवायरमेंट। फूड इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कैल्शियम प्रेजेंट इन द फूड एंड अ पुअरली एब्जॉर्ब। डाइट एंड एनवायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क होता है। इससे एग्जाम्पल दे रखा है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है, चिलेट बना लेती है, जिससे उसका फूड में एब्जॉर्प्शन जो है, फूड की प्रेजेंस में जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाता है। तो वही है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें अगर फूड के साथ में उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाता है, तो डाइट का एनवायरनमेंट का भी इसमें फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओकेजनली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मॉडिफाई द फार्माकोडायनेमिक रिस्पांस। मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ओरली इज अ पर्गेटिव, बट गिवन आईवी इट कॉज सीएनएस डिप्रेशन एंड हैज एंटी कन्वर्जन इफेक्ट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस रूट से ड्रग को दे रहे हैं। से एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट, अगर हम उसे ओरली दें तो क्या है, वो पर्गेटिव की तरह काम कर रहा है। अगर हम इसे आईवी दें तो क्या कर रहा है, सीएनएस डिप्रेशन कर रहा है, या फिर इसका एंटी कन्वर्जन इफेक्ट। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर। वेरिएशंस इन इंडिविजुअल रिस्पांस टू ड्रग कुड बी जेनेटिकली मीडिएटेड। जेनेटिकली फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जेनेटिक्स है वो वेरी करती है, तो उसके बेसिस पर ड्रग का रिस्पॉन्स भी है वो चेंज हो जाता है। एट पॉइंट आता है डोज। इट इज फैसिनेटिंग दैट द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग मे बी मॉडिफाइड बाय द डोज एडमिनिस्टर्ड। जनरली एज द डोज इज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स ऑल्सो इंक्रीज। जनरली क्या होता है, जैसे हमने डोज बढ़ाया तो जो ड्रग का रिस्पॉन्स है उसका मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद हम फर्दर डोज को इंक्रीज करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट इज इन माइस्थीनिया ग्रेविस न्यूस्टिग्मिन एनहांस मसल पावर इन थेरेप्यूटिक डोज, बट इन हाई डोज इट कॉज अ मसल पैरालिसिस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स की पावर जो है, मतलब मसल्स जो है वीक हो जाती है, तो इसमें न्यूस्टिग्मिन देते हैं, तो न्यूस्टिग्मिन क्या करती है, मसल पावर को एनहांस करती है, मसल को स्ट्रांग बनाती है। लेकिन जब उसकी हाई कंसेंट्रेशन दे देते हैं न्यूस्टिग्मिन की, तो मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। सेकेंड आता है फिजियोलॉजिकल डोज ऑफ विटामिन डी प्रमोट कैल्सिफिकेशन व्हाइल हाइपरविटामिनोसिस डी लीड्स टू डी कैल्सिफिकेशन। वही है, जब हम एक लिमिट तक विटामिन डी देंगे तो वो बॉडी में जाके कैल्सिफिकेशन करेगा, बट जब हमने ओवरडोज कर दी, उसकी हाइपर डोज कर दी, तो वो डी कैल्सिफिकेशन, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो अपोजिट होने लगेगा। ओके, नाइन्थ पॉइंट आता है डिसीज। प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डिसीज कैन इन्फ्लुएंस अ ड्रग रिस्पॉन्स। अगर हमें कोई ऑलरेडी कोई डिसीज है, मान लो डायबिटीज, लिवर डिसीज, कार्डिक डिसीज, और हम किसी अदर डिसीज की ड्रग ले रहे हैं, तो क्या होगा, एक ड्रग दूसरे ड्रग को इफेक्ट करेगी, तो प्रेजेंस ऑफ डिसीज भी जो है वो ड्रग की रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर सकती है। टेंथ आता है रिपीटेड डोजिंग, इट रिजल्ट इन क्यूमुलेशन टॉलरेंस एंड टैकीफिलेसिस। यहाँ पे तीन पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेशन। What is cumulation? Drugs like
डिजॉक्सिन विच आर स्लोली एलिमिनेटेड मे क्यूमुलेट रिजल्टिंग इन द टॉक्सिसिटी। कुछ ड्रग जो होती हैं जब हमारी बॉडी से स्लोली स्लोली एलिमिनेट होती हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है उनका क्यूमुलेशन रहता है, मतलब हमारी बॉडी में कलेक्ट हो जाती हैं जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। सेकेंड इज टॉलरेंस। टॉलरेंस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी कुछ ड्रग को लेकर टॉलरेट हो जाती है, टॉलरेंस करती है, मतलब हमें ड्रग के रिस्पॉन्स के लिए हाई डोज चाहिए होता है तो उसे बोलते हैं टॉलरेंस। इट मे बी नेचुरल और एक्वायर्ड। नेक्स्ट आता है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस इज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ टॉलरेंस। जब हमारी बॉडी में जब हमने बहुत शॉर्ट इंटरवल में कोई भी ड्रग को ले रहे हैं तो जब हमारी बॉडी में बहुत जल्दी टॉलरेंस डेवलप होती है उस कंडीशन को बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। फॉर एग्जाम्पल एफेड्रिन एंड एम्फेटामिन, इन ड्रग के केस में टैकीफाइलेक्सिस जल्दी होता है। फैक्टर आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिपेंड करता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं लाइक साइकेट्रिक पेशेंट्स में जनरली ये देखा जाता है, टर्म यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं प्लेसिबो। टर्म यूज करते हैं, इसे बोलते हैं प्लेसिबो। तो प्लेसिबो क्या है? इट इज एन इनर्ट डोजेस फॉर्म विद नो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्लेसिबो एक ऐसी ड्रग होती है जिसका कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या रहता है कि उन्हें लगता है कि अगर हम दवाई लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो वही केस होता है कि डॉक्टर्स उनको दवाई तो देते हैं बट उन ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो पेशेंट को ये लगना चाहिए पॉजिटिवली कि हमने दवाई ली तो हमने ठीक होना है, ठीक है। तो वही चीज है, तो साइकेट्रिक पेशेंट को जनरली प्लेसिबो दिया जाता है कि पेशेंट के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है डोज के रिस्पॉन्स के लिए, ड्रग के रिस्पॉन्स के लिए, जो मेनली होता है फॉर द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए। प्लेसिबो मींस डमी मेडिकेशन और आई शैल बी प्लीज, लैटिन में बोलते हैं आई शैल बी प्लीज, ओके। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स। कुछ अगर हम कुछ दो ड्रग्स ले रहे हैं एक साथ में, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज की एक साथ ले रहे हैं, तो एक ड्रग ऐसा हो सकता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को, रिस्पॉन्स को क्या करे, इफेक्ट करे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो किसी भी ड्रग के रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक फार्माकोडायनामिक्स, जिसमें हमने पढ़ा जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज वॉट इज फार्माकोडायनामिक, डिस्कस किया हमने फार्माकोडायनामिक क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। सेकेंड इज वॉट आर द फैक्टर्स विच मॉडिफाई द ड्रग एक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं एज, सेक्स, बॉडी वेट एक्सेट्रा, ये सारे इसमें डिस्कस होंगे। थर्ड इज राइट द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्शन कर रही है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं, तो ये सारे क्या है प्रिंसिपल्स। लास्ट इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग का एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, लाइक रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ठीक है। तो ये सब इस ये वाला जो है इस क्वेश्चन में डिस्कस हो, ओके। सो ये था हमारा फार्माकोडायनामिक के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।